परम सत्कार योग बहुत ही सत्कार योग संगत सवेर तो ला के हुण तक ढाडी जिथे इस नगर बुरजराजगढ़ दी संगत दूरों नेड़ियों कदम के उपराले करके पहुंच रहे हो आप दी हाजरियां लग रही ने। आओ सब तो पहला धन गुरु गोबिंद सिंह कलगियां वाले इनकलाबी सतगुरों का बख्शा नारा करो बुलंद दो प्यार का सबूत गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं बहुता विस्तार च नहीं जाना एक ही कविता कह रही है कि जो पंजाब है पंजाब के दर्द वो आप संगत बयान कर रहे हैं। इंद्रजीत सिंह जी अणखी साहब मैं सुने पिंड जांगपुर इन्हों का बहुत सत्कारयोग बलदेव सिंह जी बिल्लू बिल्लू कहने जी नहीं करता हूं बापू जी बन गए वड्डी उम्र होगी। जसवंत सिंह जी दीवाना साहब मैं तीन चार मिनट आप संगत अलबेला साहब दी कुछ गल्लां करनियां इतिहास बड़े टाइम मंगते ने इतिहास वास्ते टाइम चाहिए अपने को जिवें रौणी साहब के जथे लाउण लगे से पहला मैं क्या भी रौणी तो रात नूं भी हो जाती है कोई गल नहीं जे दूर का समय कोई गल नहीं रौणी तो हो ही जाना है। सो मास्टर गुरबख्श सिंह जी अवेला साहब भाई रूपा बुरजराजगढ़ ना तो बड़ी दूर है ना जे कही बहुता समा लगता है मझा चारदे चारदे दुले वाला पुते बुरजराजगढ़ पहुंच जाने मैनू आकर्षित किया उन्होंने गलों ने उन्होंने स्टेज तो मिलना बोलता बन में सरपना वीरा मुंडिया रंगीन गड्डिया तेरे पोते बुलाए दिया फलिया तेनू वीरा दुध का छना वो पंजाब जो गुरबख सिंह अलवेला साहब बोलते सी रोम रोम रिली हों आ गल कहते कि अगे पोतिया के अपन भैणा के कोले वीर जाते पुराना पंजाब जदों उन्होंने कितने बात पानी पंजाब की ओ पंजाब जरा एक लख 45 हजार बाबा मील का बादशाह जिदिया सरहद काबल के कंधार के नाल खेलिया वो साडे योधे जिन्हां दी मथे दी एक त्योड़ी के सामने वड्डे वड्डे बलवान कहाउण वाले नीवियां पा जांदे सी आ बोल सी सा गुरबख्श सिंह अलवेला साहब दे उन्होंने भाई रूपे जाना जसवंत सिंह दीवाना साहब ते बिल्लू जी जसवंत सिंह बिल्लू पिता समान इत्थे ही है इन्होंने जदों लॉन्च करना भाई रूपे तो भी 4 बजे मास्टर गुरबख्श सिंह अलवेले ने लगना है गुरु पातशाह की हजूरी चाहे सतसंग जी हो साडे नगर में तो जाने ही होंगे 3:30 बजे कि अलवेला लगेगा हूँ सेलबरा दुले वाला घंटा बन्ना और ना जलाल गुमटी कला सारे पिंड कट्ठे हो गए अलवेला साहब नूं सुण लाउंदे उहदे च एड्डी कला सी साहिब हथ पलियाईआं जिस भाव है तिस दे सतगुरु पातशाह महाराज दा वचन है सतसंग जी जिन्हां नूं बख्शा करदीआं फिर बख्श दिंदे पातशाह महाराज इत्थे इक बलारा आया सी बोल के गया कहिंदा वी जदों गाउण वाले वधिया मिल जाण फिर उह तकदीर बदल जांदी है मैं तो तकदीर कहना हुंदा इहनूं अलवेला साहब कहिंदे हुंदे सी तकदीर चंगी तकदीर माड़ी ओ धौण इसे तकदीर अगे झुक जांदी सियाणे कहिंदे मिट्टी ना देवतियां तों ते वड्डे वड्डियां दे डंडे डुक जांदी जिहदे उत्ते तकदीर क्रोध हो गई ते नरज बैतां दी फड़ी भी रुक जांदी जदों मां अलवेले पेश जांदी ओ गल आण तकदीर ते मुक जांदी ठगी एक ठगी हुंदी है सतसंग जी जे कोई बगाना मार जाए तो बहुता असर नहीं हुंदा ठगी वह हुंदी है जिहड़ी आप दे नाल आप दे मर जा उहनूं ठगी कहिंदे साडे जिहड़े अपने ठगी मार जाण उहनूं ठगी कहिंदे सतसंग जी
पंजाब के देखो पंजाब में ठगी जो भी मारी अपने ने मारी है पंजाब में जो लुटे है अपने ने लुटे है कहता रुक रो पिया कुहाड़े विच देख रस्ता जे तक चढ़ा नू लाया तो भी अपने ने मुर्दा रो पिया टके भी देख दुनिया जे लामू चिखा नू लाया तो भी अपने ने गदारियां की मैं की बोला मास्टर गुरबख्श सिंह वेला बारे जब उन्होंने जाना भाई रुपए उन्होंने एक गल तो मैं डर गया सत्संग जी मैं पता नहीं किड्डा बलारा हूं अच्छ आ गुरु साहब की हजूरी में गल है वह बोलते बोलते कहते बलारा है कि ढाका के हथ कलारा एवं नहीं बनया जाता गड्ढा किताबों का पढ़ना पैदा मैं डर गया क्योंकि गड्ढा देखा सी वो मूहे दो बद जुड़ते सर सत्संग जी मैं गड्ढा किताबों का कौन पढ़ू यार मैं इन्ना पिछे नेड़े सी मेरे नाल बहुत गल्लां होईयां बाबा भाई रूप सिंह जी का मसला चलिया जमीन का 162 किले तन मर लिया उस मसले के विच जसवंत सिंह दीवाना ते बलदेव सिंह बिल्लू नाल गाउंदे सी उन्होंने अपनी सरंगी दी उधार दे के भी साडी सरंगी है सानू कौन दे दू भाई रूपे के लोगों को एक मैसेज लाया स्टेज के उत्तों भी भाई रूपे वाले इकट्ठे हो जाओ ये जमीन तुहाडे पुरखियां दी उन्हें गुण बहुत बड़ा जे गदारा की गल करिए सत्संग जी उन्होंने गदारा से बोलिया जे समाज सेवी की गल करिए उन्होंने समाज सेवियों बारे बोलिया खुली किताब सन गुरबख्श सिंह अलवेला साहब उन्होंने कोले बहुत बड़ा महान खजाना सी दिता परमात्मा ने सत्संग जी पर माफ करना एक पासे असी ढाडियां सुन के खुश नहीं दूजे पासे असी पता की कहने साडा पंजाब नशा नहीं खा लिया नशे कितों आते जो माड़िया संगत बच्चे जाते हैं सत्संग जी फिर उदो माड़ी संगत के नशे वाले पास जाते हैं फिर असं तो हथरिया पिटते हैं फिर साड़िया भैन रोंदिया है फिर साड़िया मावं रोंदिया है कि अज मेरा पुत्र 20 साल का हो गया नशे वाले पास जा पड़िया जे कि पढ़ाई लिखाई करके होर किसी पास जाता किसी फैक्ट्री में कोई ना कोई कार्य करता सत्संग जी समा बड़ा सी क जदों पंजाब नूं छोटा करन ते लगे सत्संग जी मैं पहला कह के हटिया वी गल्लां बड़ियां ने बहुत समा लग सकदा पंजाब नूं 4 छपेरियां तो लैके आंदे आ 1,45,000 मरबा मील दी बादशाही नूं अज छोटा जिहा पंजाब बना के रख दित्ता ओह कहिंदा पुत मर गया ओह जम्मू दे डोगरियां दे ओह जी भाई जिन्ना राई सिंह तोल पहाड़ छड्डे खड़क सिंह जे राजे नूं जहर दित्ती सोहणे कमर सी पत्थर ते राड़ छड्डे ओह सुचे रेशमी फारसी हथ आए ते बिना समझ तो बांदरा पार छड्डे आर कैद की पंछी गल करनी ते जदों राख्या खेत उजाड़ छड्डे पंजाबिया तेरी कोई ना सुनता ते बस सारे अपनी सुनाउंदे आ मैं अगे होवां मैं अगे होवां ते बस सारे ही चाहुंदे आ तेरा ना हो दर्द किसे नूं ते बस अपनी छोले गाउंदे आ ओह किहड़े बागी पंजाब बचाउणा बस अपना मास बचाउंदे आ पंजाब दे दर्द भरे हालातां नूं भाई रूपे वाले हरजिंदर सिंह बागी दा ढाडी जत्था हे क्या बंदा Thank you.
ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਧਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦਾ ਹਿਮਾਲੀ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲਣਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲਣਾ जिहड़ा कोई किसे वास्ते को करके जांदा सतसंग जी सदा ही सदा वास्ते जिउंदा रहिंदा
जे अज नशिया तो नौजवानों मार रहा, मैं बीबिया गुजारिश करता, बेनती करता है अपने बच्चों के केस रखो, उन्होंने पटके बन के उन्होंने रिमांड चला के छोटे बच्चों को स्कूलों में भेजा करो, तुहाडी जिम्मेवारी है। फिर नशे का मुक्त पंजाब बनना है। नौजवानों को बेनती है नशे वाले पास छड़ के खड़े इधरले पास आ जाओ, अभी गाँव असं भी गए हैं। वाहेगुरु कृपा करे, मैं छोटिया तो ला के वड्डिया तक समुचे पंजाब के ढाडी साहबाना का धन्यवाद करता, तो पूरे मोर्च राजगढ़ इस पिंड दीयां संगतां का धन्यवाद करता। एक बेनती करना, अगले साल इस नगर के सतसंग जी माफ करना, आप किसी औगुणी कतार ने गुण देखने हैं, किड्डा गुणी ज्ञानी सी साडा सत्कारयोग पिता समान मास्टर गुरबख्श सिंह जी अलवेला साहब। अगले साल जो बरसी हो नगर के मेला लगना चाहिए बहुत वड्डा, कि पिंड वालों बेनती हथ बन के आ बोले बोल मूहे पता नहीं कितने जाते कोई चलाई कलम। सरदार मुख्तियार सिंह जी तूफान बिरला साडा उस्ताद है सतसंग जी, मैं जी गल बोलू 99.101% सच बोलू, इतने जतन ला लिया सानू, मैनू कहन हरजिंदर तेरी आवाज वधिया है, मास्टर जी को जावड़ा कर मैं माफ करना सतसंग जी इतने नहीं आ गया। उस तो बाद असं मुख्तियार सिंह तूफान बिरला साहब को गए, उन्होंने उस्ताद मन के आए, कोलो गंगा वगदी होवे एक भर के चूली पानी की है जी पवित्र जल की नहीं पीती जाती, ये माड़े भाग में ता तकदीर से शेर बोलिया अलवेला साहब का ही है। वो कहिंदा सीन सोच ला एक दे नाल बह के तेरी रोजनी काफड़ा तड़ी रहनी, करनी शहर ना उड़न कटोलिया ते ते बग्गी सदा नहीं तबेले खड़ी रहनी, सदा हार ना जेठ की धुप रहनी ते लगी सदा नहीं सौण दी झड़ी रहनी, आखिर सबना ने तुर जाना आपो अपनी रुते पक्के पाना का कोई दुख नहीं हुंदा जो बेस तुर जाते बहुता दुख उन्होंने पंछी तुर के जो रुते ये तो रुख तो पहला चले गए। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता संगत का, बहुत मान सत्कार भेजे जसवंत सिंह दवाना साहब, अगली कार बारी स्टेज दी कर संगत दिता समा समाप्त है, इतनी फतेह बुला दो, फतेह गज के बुलायो, आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा।